हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से पेशेंट पूछते हैं। To recover after hair transplant, बहुत से लोगों का ये common question है, recover करने के लिए मुझे कितना time लगेगा hair transplant के बाद। Usually मैं 5 to 6 days तो bed rest ही बोलता हूँ। आपको घर में ही थोड़ा सा walking करना है, बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि आपको swelling आ सकता है, pain हो सकता है, itching आ सकती है, infection हो सकता है। इस सब को avoid करने के लिए हम जो आपको tablets देंगे वो खानी है और बेड रेस्ट करना है। इसके बाद आप वर्क पे जा सकते हो। यूजुअली पूरा हीलिंग होने में आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने लगते हैं, 12 महीने लगते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। हाउ टू हाइड माय हेयर ट्रांसप्लांट, मैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को कैसे छुपाऊं, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने इतनी सर्जरी की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। हमारे तरफ से आपको सर्जिकल कैप दी जाती है, उसको पहनकर ही आपको यहाँ से लेके आपके घर तक जाना है। कुछ लोग छुपाना चाहते हैं, ये करना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ ना कीजिए। आपके हेयर्स जो ट्रांसप्लांट किए वो बहुत ही बेबी वाली कंडीशन में है, तो उनकी केयर कीजिए। हाउ लॉन्ग डज स्वेलिंग लास्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सूजन कितनी देर तक रहती है। मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि हर पेशेंट के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा स्वेलिंग आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही स्वेलिंग नहीं आती। क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो एनेस्थीसिया दिया गया है वो यहाँ से ऐसे आके यहाँ से डिजॉल्व हो जाता है। इसमें 5 to 6 days, हम कहते हैं कि 5 to 6 days में ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बेड रेस्ट कहा है कि 5 to 6 days में होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, घर में ही आप बहुत सारा वॉक कीजिए, उस आपकी पोजीशन जो सोने की है वो एलिवेटेड रखिए, इसके कारण वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाके सूजन चली जाएगी। When can I wear a hat after hair transplant? मैं कैप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कभी पहन सकता हूँ? आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा हो सकती है। आप अगर जल्दी कैप पहनो तो कंप्रेशन हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकते हैं या डिसलॉज हो सकते हैं आपके ग्राफ्स। आप अगर कैप पहनने जाएंगे तो जो भी इम्प्लांटेड हेयर्स है ये बेबी है। मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ से ब्लड सप्लाई बंद किया है, आगे उसे ब्लड सप्लाई दिया है, तो हम जो आपको कैप देंगे सर्जिकल कैप, एटलीस्ट 15 डेज वो कैप पहनिए। उसके बाद एक लूज कैप, मैं आपको फोटो में दिखाने वाला हूँ, ऐसी लूज कैप पहनने की कोशिश कीजिए जिससे ऊपर कोई प्रेशर ना आए और आपके बाल ग्राफ्स सुरक्षित रहे। थैंक यू।